हेलो हेलो हेलो, हम आए हैं यूसीपी लाइला, किससे मिलने हैं? इलहान उमर से मिले, जो कि यूएस कांग्रेस वुमेन है। और मैं अंदर गई हूँ, अंदर बहुत रश है, क्राउड इज अमेजिंग एंड द हॉल आर फुल, और मीडिया की आए हुए यहाँ पे। और लाइला कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मिलेगी, क्योंकि अभी उनसे हान साहब भी मिले तो मैं ही मिलना चाहती हूं। इट्स गेटिंग वेरी लेट, सो लेट्स सी। Opportunity to introduce you, Congresswoman Ilhan Omar, with us tonight. Our session was really good. बहुत अच्छे questions उन्होंने raise किए हैं, जो कि एक like जो questions होने चाहिए थे वैसे ही थे, और बहुत decent था अंदर सारा माहौल वगैरह, everything was good. Starting में भी जब वो आई हैं, she looked very inspiring. और इसके बाद भी उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बिहेवियर, एवरीथिंग वाज लाइक शी वाज एन इंस्पायरिंग वुमन। ऑब्वियसली मिलना तो चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंट्री का नाम रेज कर रहे होते हैं। मैं ये बात तो नहीं कहती कि यूएस कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन एज एक्सपीएम उनको मिलना तो चाहिए था, क्योंकि वो आई थी। जो हमारी गेस्ट थी उनसे काफ़ी इंस्पायर था इलहान उमर से, उनकी बायोग्राफी रीड की थी मैंने। सो एक मुस्लिम होकर इतना बड़ा स्टेटस हासिल करना और एक कांग्रेस वुमन बनना, इनफैक्ट एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए भी, और दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू सी हर। और इसके अलावा जिस तरह वो बात करती हैं इस्लामोफोबिया के बारे में, मुस्लिम राइट्स के बारे में, सो इट वाज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर मी एज़ वेल। अमरीकी साजिश में और अमरीकी कांग्रेस वुमन में बहुत फ़र्क है। देखिए ना, अब जो कांग्रेस वुमन है, कांग्रेस में जो लोग होते हैं ना, उनकी एक डिफरेंट वो होती है, डोमेन होती है। वो लोग पब्लिक इश्यूज़ वगैरह के बारे में, स्टेट इश्यूज़ वगैरह के बारे में, जैसे अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, वो उनसे डील करते हैं। उनकी फेडरल हुकूमत कुछ और है। इमरान खान से मिलना उनका इसलिए ज़रूरी था कि आगे जाके भी, आप जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो एक नेम है, इमरान खान इज़ नॉट एंडेड, वो दोबारा से आ सकते हैं गवर्नमेंट में। वो एक आपके ऑपोजिशन के तो मेंबर हैं ना, अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो, अगर वो आके आपके लीडर से मिल रही हैं, ऑपोजिशन मेंबर से मिल रही हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? मैंने ये सेशन इसलिए अटेंड किया क्योंकि पहले तो मैंने सुना कि इल्हान उमर आ रही है, तो उसके बाद चलते हैं, तो ये तो नीड है ना पाकिस्तान की, हम मिलेंगे तो कनेक्शन तो बनाना है। बिफोर दैट आई नो लाइक शी मेट इमरान खान एंड शहबाज शरीफ आल्सो, सो यस आई हैव सम आइडिया रिगार्डिंग इल्हान। उनकी हुकूमत वगैरह है ना, बट पर्सनल तो उनके साथ उनका कोई इशू नहीं है, एंड दैट इज़ द राइट थिंग। मेरा ना ख्याल कि उन्होंने कोई गलत बात की है। इनको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। इनका जो काम है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ और अमेरिका में मुसलमानों की जो इमेज उभारने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए एक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यूसीपी में आ रही हैं, आउट ऑफ मतलब इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, IBM जा सकती थी, लम्स जा सकती थी, लेकिन इमरान खान को मिली हैं, हुकूमत को मिली हैं, उसके बाद कश्मीर की, उसके बाद सीधे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आए, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग ऑनर फॉर अस, तो मैं कभी भी मिस ना करता ये। वो एक बहसीत अमेरिकन नहीं आई, वो बहसीत है एक आप कह लें एम्बेसडर आई हैं, एम्बेसडर टू इस्लाम कह लें या एम्बेसडर टू अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। अब इमरान खान आप उनसे इतफाक़ कर सकते हैं, उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट एक बात आप मानेंगे कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बहुत काम किया, तो वो इस हिसाब से आई थिंक उनको मिला। सेशन मज़े का था ना? बहुत मज़े का। इल्हान उमर आई हुई थी और द हॉल वॉज फुल ऑफ क्राउड, बहुत अमेजिंग क्राउड था, और शी टॉक्ड अबाउट वेरियस टॉपिक्स, जिसमें से इस्लामोफोबिया के बारे में बात की, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात की, और शी टोल्ड के उनकी बेटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट हैं, एक क्लाइमेट चेंज की एडवोकेट है, और शी टॉक्ड अबाउट के हाउ लाइक दिस यंग जनरेशन इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड इज़ वेरी होपफुल। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।